हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर दो टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। एक है टिट्यूरोसिस्ट एंड सेकंड है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एक बार हम देखें इनब्रीडिंग क्या होता है। इनब्रीडिंग एंड सेकेंड टर्म है हिट्रोसिस्ट। ये दोनों वर्ड्स क्या एक साथ हम यूज में लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि हिट्रोसिस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या है, हम दो पेरेंट्स को यूज में लेते हैं। जैसे कि एक पेरेंट हमने लिया ए ए, एक लिया हमने बी बी, इस तरह से दोनों का क्रॉस करवाते हैं और एफ वन हमें प्रोजेनी मिलती है ए एंड बी। तो इस तरह से इनब्रीडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, इनके जाइगोट जो बनते हैं, गैमेट्स, गैमेट्स से बन गया हमारे जाइगोट। तो इनब्रीडिंग और हिट्रोसिस्ट यहाँ तक दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनब्रीडिंग में जो हिट्रोजाइगोसिटी जो होती है वो टाइम के साथ क्या रिड्यूस होती जाती है, जबकि हिट्रोसिस्ट में क्या होता है, जो होमोजाइगोसिटी जो है वो तो रिड्यूस होती है, जबकि हिट्रोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। जिस जिस ऑर्गेनिज्म में हिट्रोजाइगोसिटी ज्यादा होती है वो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में रहने के लिए उतना ही सुटेबल और अच्छा रहता है। अब हिट्रोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी का क्या मतलब होता है, यानी सेम पेरेंट, यानी ए हम ले सकते हैं, हिट्रो यानी डिफरेंट, या हिट्रोजाइगोट का आप मतलब समझते होंगे, यानी डिफरेंट पेरेंट ए एंड बी ले सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, इनब्रीडिंग में होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, ये वाला जीन ही बार बार एक्सप्रेस होगा। तो कुछ ऐसी डिजीजेस होती है हमारी, वो क्या होती है, छिपी हुई रहती है, लेकिन कुछ एलील्स या कुछ पेरेंट्स के ऐसे जो पेयर बन जाते हैं उससे क्या होती है, वो डिजीज का एक्सप्रेशन हो जाता है। तो होमोजाइगोसिटी में ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो इससे जो छुपे हुए डिजीज जो होती है हमारी वो एक्सप्रेस हो जाती है। तो ये चीज क्या हमारे लिए गलत होती है, जबकि हिट्रोसिस्ट वही बहुत अच्छी होती है, ये प्लांट की हाइट के लिए, हर चीज के लिए क्या है, ये बहुत बेनिफिट होती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिट्रोसिस्ट क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर दिया हुआ है क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज, क्रॉस पॉलिनेशन या पोलिनेट का मतलब होता है क्रॉस कर रहे स्पीसीज है। स्पीसीज रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली आर हाईली हिट्रोजाइगस व्हेन दिस स्पीसीज आर सब्जेक्टेड टू सेल्फिंग और इनब्रीडिंग, दे शो सेवर रिडक्शन इन मिग्रेंट फर्टिलिटी। दिस फिनोमिना इज नॉन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहाँ क्या होता है, विगट यानी जो ताकतवर या कुछ भी चीज जो होती है, जैसे फर्टिलिटी की चीज जो होती है इसमें बहुत हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनब्रीडिंग की चीज चल रही होती है, फिनोमिना चल रहा होता है बॉडी में, प्लांट की में, तो यहाँ क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी रेट जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। इट इज मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल रिलेटेड बाई डिसेंडेंट एंड हैविंग कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे क्या देखो किस टाइप की मैटिंग्स होती है, ब्रदर सिस्टर मैटिंग एंड सब सिब मैटिंग्स। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग। सेल्फिंग के थ्रू क्या है, ये इनब्रीडिंग वाली जो फिनोमेना है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, हिट्रोसिस्ट क्या होता है। हिट्रोसिस्ट में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, मेटिंग होती है, देयर प्रोजेनी आर ऑफ्टन सुपीरियर टू आइदर और बोथ ऑफ द पेरेंट्स फॉर वन और मोर करेक्टर। ए फिनोमेना रेफर टू एज हाइब्रिड विगन या हिट्रोसिस्ट को बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज पता होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, एक रैंडम फिनोमिना होता है, इसमें कुछ पता नहीं होता है किसके साथ क्या होने वाला होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक रैंडम प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारे इस तरह से हमने लिए दो पेरेंट, यहाँ हमने गैमेट्स बनाए ए एंड बी, अब यहाँ पर हमने बनाए एफ वन, ठीक है। अब बाहर से कुछ भी हमने लिया ए बी, तो यहाँ क्या बनेंगे हमारे ए ए ए बी, यहाँ हमने जो एफ वन हमें मिला था ए बी, इसका हम कोई भी बाहर से रिसेसिव ले रहे हैं, तो यहाँ इसका जो बनेगा एक ये बनेगा गैमेट, ये बनेगा एंड बी का ए बी एंड स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, इस तरह से हमारे बनेगा। अब नेक्स्ट जनरेशन में हम फिर से ए बी लेंगे, तो कुछ ऐसे जीन्स जो है वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, और रिसेसिव करेक्टर जैसे कि हम यहाँ पर अब फिर से बनाएंगे किस ए किसका गैमेट इस तरह से, तो बहुत लंबा हो जाएगा इस टाइप से, लेकिन जहां पर हमारे ये रिसेसिव करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, तो वहां क्या है, ये चीज हमारे जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखने को मिलती है, वहां क्या है, रिसेसिव करेक्टर हमारे एक्सप्रेस होता है, और कोई भी जो डिजीज जो होती है वो छिपी हुई रहती है या फिर कैरियर की फॉर्म में रहती है, तो वहां उसको एक ही एलील मिलने की देरी होती है और वो डिजीज वाला करेक्टर वो शो करने लग जाती है। ये चीज
क्या है, हमारे जेनेटिक ड्रिफ्ट वाले जो फिनोमिना है उसके अंदर देखने को मिलती है। सो दैट डिफरेंट इनब्रीड लाइंस और सब पॉपुलेशन टेंड टू बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एलील्स एट वेरियस लोकाई व्हेन दे आर इंटर मैटेड द F1 पॉपुलेशन विल बी हाईली हिट्रोजाइगोट। जो हमने ये बनाई थी ये हिट्रोजाइगोट होती है। हिट्रोसिस इज द अपोजिट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये आपको बता चुकी हूँ। अब हिट्रोसिस में क्या होता है, कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज इम्प्रूव प्लांट विग्योर, ग्रेटर प्लांट साइज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस ऑफ द हाइब्रिड रिलेटिव टू इट्स पेरेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। एक होता है मिड पेरेंट हिट्रोसिस इज द परफॉर्म ऑफ ए हाइब्रिड कंपेयर्ड विद द एवरेज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पेरेंट। एक हाई पेरेंट हिट्रोसिस्ट जो होता है इज ए कंपेरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड विथ दैट ऑफ द बेस्ट पेरेंट। यहाँ क्या बोला गया है, हाइब्रिड कंपेयर्ड विथ द एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पेरेंट्स, कि एवरेज के बेस पर लिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड विद दैट ऑफ द बेस्ट पेरेंट। तो यहाँ पर मिड पेरेंट हिट्रोसिस्ट में क्या होता है, F1 हम लेते ही है, ये हमारा जो F1 आता है एंड मिड पेरेंट लिया है अपोन में मिड पेरेंट इनटू 100। इससे क्या है, हम परफॉर्मेंस देखते हैं हमारे हाइब्रिड का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हिट्रोसिस से हमारे जो प्लांट होता है उसमें क्या क्या चेंज होने, देखो ये वेराइटी एक्स है, यहाँ वेराइटी वाई है एंड यहाँ पर एक्स एंड वाई वेराइटी को मिलाकर के हमने क्या है, एक हाइब्रिड रेडी किया। इसको एक्स वाई हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, प्लांट ब्रीडर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हिट्रोसिस्ट में क्या हुआ है, यहाँ पेरेंट वन है, पेरेंट सेकेंड है, मैं लिख देती हूँ अगर आपको विजिबल नहीं हो। ये F1 हमें मिला है, तो F1 देखो पेरेंट के कंपेयर में क्या है, बहुत बेटर हमें मिल रहा है। जबकि ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, पेरेंट के कंपेयर में जो प्रोजेनीज आती है वो बहुत विगर टाइप से, मतलब बहुत स्मॉल टाइप की, रिड्यूस टाइप की साइज में मिलती है हमें। तो यहाँ पर हम देखें क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, यहाँ होता है शुगर एंड स्टार्च प्रोडक्शन फॉर बायोमास, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड जीन एक्सप्रेशन पे चेंज होते हैं क्योंकि यहाँ बेटर एक्सप्रेशन हमें मिलता है। तो इन सब चीजों में क्या है, चेंज आता है। फाइटो हार्मोन सिग्नलिंग एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्सेज होते हैं, स्मॉल आरएनए, siRNA एंड miRNA, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, कार्बन एंड नाइट्रोजन एलोकेशन होता है, ये चीज आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। आरएनए मिथाइलेशन, सॉरी डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन एसिटाइलेशन होता है, मतलब कि हमारे जब डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके ऊपर क्या है, कुछ मिथाइलेशन, ये सब चीजें, एसिटाइलेशन, ये सब चीजें क्या है, एड होती है। फिर है लाइट एंड एनर्जी यूज इफिशियंसी, फिर है प्रोटियोम एंड मेटाबोलोम चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है, एक बार आपको समझाते हैं। इसमें क्या है, जो भी प्रोटीन्स बनते हैं उनमें चेंजेस आता है, क्योंकि तभी तो हम अच्छा एक्सप्रेशन हम क्यों पा रहे हैं, किस लिए मिल रहा है हमें, पहले के बेटर, मतलब पेरेंट्स के बेटर हमें प्रोजेनी में अच्छा एक्सप्रेशन, किसी भी चीज का बहुत अच्छा हमें रिजल्ट या प्रोडक्शन कैसे मिल रहा है, उन जो पेरेंट्स में प्रेजेंट जो जीन्स थे उनका जो सिग्नलिंग थी, उनका जो भी पाथवे था वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है या और भी हाईली वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो उसके लिए क्या, उसमें काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसमें एक वर्ड है प्रोटियोम्स एंड मेटाबोलोम चेंजेस। इसका मतलब मैं समझाती हूँ, ये देखो डीएनए है हमारा, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, ठीक है। तो डीएनए से ये जीनोम बोलते हैं, आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्टियोम बोलते हैं। अब प्रोटीन्स जो बना है, प्रोटीन्स लेवल पर भी क्या है, काफी सारे चेंजेस होते हैं हमारे प्लांट्स में। तो इसको बोला गया है, प्रोटीन्स में जो चेंजेस है उसको प्रोटियोम बोला गया है। अब प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है, कुछ शुगर्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है एंड कुछ होता है लिपिड्स, जिसको लिपिडोम बोलते हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये सब चीजें क्या फंक्शंस करते हैं प्लांट की प्रोडक्शन करने की या यील्डिंग की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो इसको बोलता है मेटाबोलोम्स। और प्रोटीन वाली चीज इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं प्रोटियोम। तो ये दोनों वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। तो इन सब चीजों में क्या है, इंक्रीज होती है, यही वही सब चीजें यहाँ है। ये अलग डायग्राम है, वो एक अलग डायग्राम था, आपको जो सुटेबल लगे आप उसे लर्न कीजिए और इसी फॉर्म में आपको बनाना है। फिर है हमारे टाइप्स ऑफ हिट्रोसिस, एलिमिनेशन ऑफ
सॉरी एस्टिमेशन ऑफ हिट्रोसिस्ट। अब हमारे यहाँ क्या दिया है, हिट्रोसिस्ट जो होता है तो तीन चार टाइप का होता है, उसमें हम देखिए एवरेज हिट्रोसिस्ट और रिलेटिव हिट्रोसिस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या है, F1 का हम लेते हैं, F1 इज सुपीरियर टू मिड पेरेंट। मिड पेरेंट जो है हमारा, ये है मिड पेरेंट, इसके ऊपर क्या है हमारा, F1 सुपीरियर है अपोन में मिड पेरेंट इनटू 100। तो ये क्या है, हमारे एवरेज हिट्रोसिस्ट हम निकाल सकते हैं, हमारे अगर वैल्यू दे तो हम। लेकिन इतना डेप्थ में आपसे पूछा नहीं जाता है, बस इतना ही आपको फॉर्मूला लर्न करना है। अब यहाँ क्या है, दिस टाइप ऑफ हिट्रोसिस्ट इज नो यूज इन एग्रीकल्चर सिंस पॉसिबिलिटी इज बिलो द बेटर पेरेंट वैल्यू। यहाँ क्या, बेटर पेरेंट वैल्यू क्या होती है, इसकी बिलो यहाँ पर क्या, इसकी सुपीरिटी आती है। ये नेक्स्ट अगर टाइप हम देखिए, अब है हिट्रोबेल्टियोसिस। यहाँ पर क्या है, सुपीरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट। ये क्या, F1 की सुपीरिटी क्या है, ओवर करती है, ओवर द बेटर पेरेंट के ऊपर, ठीक है, अपोन में ये सुपीरियरिटी दिखा रखी है बेटर पेरेंट के ऊपर। ये होता है हमारा हिट्रोबेल्टियोसिस, ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला के फॉर्म में ही लर्न करना है। एंड थर्ड टाइप है यूज इकोनॉमिक और यूजफुल हिट्रोसिस। इसमें क्या होता है, सुपीरिटी ऑफ द F1 कंपेयर टू द हाईली यील्डिंग कॉमर्शियल वेराइटी। यहाँ क्या है, इसका कंपेयर किया गया हमारी सुपीरिटी को हाई यील्डिंग कॉमर्शियल वेराइटी के साथ इन ए पर्टिकुलर क्रॉप। यहाँ वही F1 आ गया, इसकी सुपीरिटी को कंपेयर किया गया है कॉमर्शियल वेराइटी के साथ। तो ये चीज आपको लर्न रखनी है। फिर है फोर्थ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हिट्रोसिस्ट में क्या होता है, सम टाइम हिट्रोसिस्ट वर्क आउट ओवर द स्टैंडर्ड कॉमर्शियल हाइब्रिड। यहाँ पर क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉमर्शियल हाइब्रिड जो होता है, इसके ऊपर हम क्या है, सुपीरिटी F1 की देखते हैं। तो ये हो गया हमारी स्टैंडर्ड। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ F1 इंफीरियर टाइप से क्या ही परफॉर्म करता है टू बेटर पेरेंट या फिर मिड पेरेंट वैल्यू। एग्जाम्पल दैट इज ड्यूरेशन, हाइट इन सीरियल्स, माइक्रोनियर वैल्यू इन कॉटन एंड टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक न्यूरोटॉक्सिन्स इन लिथायरा सटाइवस, जो कि स्वीट पोटैटो होता है, सॉरी स्वीट पी होता है। तो पाइसम सटाइवम जो होता है हमारा नॉर्मल गार्डन पी होता है। ये था हमारे इसके टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या है, एवरेज हिट्रोसिस्ट, इसको हम किस जो F1 की सुपीरिटी जो होती है उसको हम लेते हैं मिड पेरेंट वैल्यू के साथ, ठीक है। फिर बाद में हम इसको किसके साथ देखते हैं, सुपीरिटी को हम बेटर पेरेंट्स के साथ देखते हैं। फिर इसको हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं हाई यील्डिंग कमर्शियल वैरायटी के साथ। एंड देन उसके बाद देखते हैं हम स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, स्टैंडर्ड जो हाइब्रिड आता है उसके साथ हम इसका कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से चार टाइप, पांच टाइप की थी। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करते हैं, F1 की इंफीरियर टू बेटर पेरेंट या फिर मिड पेरेंट के साथ ये परफॉर्मेंस करती है। इस तरह से पांच टाइप की होती है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस है, किस किस टाइप से फंक्शन करती है, क्या करवाती है प्लांट्स में, इंक्रीज इनिंग, इंक्रीज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, इंक्रीज इन साइज एंड विग्योर, बेटर क्वालिटी देती है हमें, एडेप्टिबिलिटी जो होती है वो भी इसकी ज्यादा होती है, अर्ली फ्लावरिंग होती है, एंड मैच्योरिटी जो होती है बहुत जल्दी होने लग जाती है इसकी। फिर है ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट। यहाँ क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स आते हैं वो क्या है, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हम हिट्रोसिस्ट के थ्रू हम जो प्लांट्स ग्रो करवाते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ ही उसका जो रेजिस्टेंसी जो है डिजीज के प्रति, उसको भी हम काफी हद तक देखते हैं, क्योंकि तो प्लांट जितना ज्यादा रेजिस्टेंट रहेगा किसी भी पेस्ट से या डिजीज ना होने से, वो भी इतना ही ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। फास्टर ग्रोथ रेट जो होती है इनकी, वो भी बहुत अच्छी होती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ए प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट की जो साइज होती है नॉर्मली, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब था इसके यूजेस। फिर है जेनेटिक बेसिस ऑफ हिट्रोसिस एंड इनब्रीडिंग। जेनेटिक बेस पर अगर हम देखना चाहें इन तीनों की, तीन सॉरी इन दोनों की तीन मेन थ्योरीज है, एक है डोमिनेंट हाइपोथेसिस, एक ओवर डोमिनेंस, एक है एपिसेस। तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, हमारे जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं ए ए, ये क्या करते हैं ए बी, ये जो रिसेसिव एलील्स होते हैं ये है हमारे डोमिनेंट एलील्स है एंड ये है हमारे रिसेसिव एलील्स। तो डोमिनेंट एलील क्या करते हैं, रिसेसिव एलील्स के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं और इनको इनहिबिट कर देते हैं। सेम इसी टाइप से एपिसिस
सॉरी, एपिस्टेसिस में क्या होता है, किसी भी टाइप का एलील हो, ए हो चाहे बी हो, चाहे स्मॉल ए हो चाहे स्मॉल बी हो, ये क्या है, मार्क्स कर देता है दूसरे एलील के इफेक्ट को। वो कैपिटल डोमिनेंट वाले को भी इनिबिट कर सकता है, या डोमिनेंट वाला भी क्या है रिसेसिव को इनिबिट कर सकता है। एपिस्टेसिस से यानी मतलब किसी भी जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क करना, मास्क यानी उसको छुपा देना, उसके कैरेक्टर्स को क्या है छिपा देना। और डोमिनेंस में क्या होता है, डोमिनेंट वाला ही हमेशा ये चीज करेगा, अपने रिसेसिव वाले को इनिबिट कर देता है, जबकि एपिस्टेसिस में ऐसा नहीं होता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ईच लोकस द डोमिनेंट एलील हैज फेवरेबल इफेक्ट, फेवरेबल इफेक्ट डालता है, व्हाइल द रिसेसिव एलील्स हैज अनफेवरेबल इफेक्ट। इन हिटरोजाइगस स्टेट द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील आर मार्क्ड बाय देयर डोमिनेंट एलील्स। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, हिटरोजाइगस स्टेट में क्या होता है, रिसेसिव एलील जो होता है नॉर्मली ये होता है हिटरोजाइगोट, हमारे ये है हमारे डोमिनेंट एंड ये है हमारे रिसेसिव, ये बोला गया है। तो रिसेसिव को हिटरोजाइगोट भी इनिबिट कर सकता है एंड डोमिनेंट भी इसको इनिबिट कर सकता है। इम्यूनिटी डिप्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील व्हिच बिकम होमोजाइगोट ड्यू टू इम्यूनिटी। और फिर क्या होता है, इम्यूनिटी डिप्रेशन में जो हमारे रिसेसिव एलील्स जो होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं उनको क्या है एक्सप्रेस होने का मौका मिलता है, इसलिए ही ये क्या हार्मफुल है हमारे लिए होमोजाइगोसिटी ड्यू टू इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के थ्रू। यहाँ पर क्या है, इस हाइपोथेसिस में इटोसिस इज नॉट ड्यू टू होमोजाइगोसिटी, रादर इट इज रिजल्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इफेक्ट ऑफ हार्मफुल रिसेसिव बाय दियर डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील के थ्रू क्या है, हार्मफुल जो रिसेसिव एलील्स है उनको इफेक्ट जो होता है उनका उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो ये था डोमिनेंट हाइपोथेसिस। अब है ओवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस, तो इसमें क्या है, हेटरोजाइगो एट लीस्ट सम ऑफ लोकाई आर सुपीरियर ऑफ बोथ द होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट्स ए ए कुड बी सुपीरियर टू ए ए एंड ए ए। यहाँ पर क्या है, जो होमोजाइगोट्स होता है ये ए ए ये वाला, ये क्या होता है सुपीरियर होता है हमारे कैपिटल ए, कैपिटल ए एंड सॉरी यहाँ टोटली ये बना हुआ है, यह है हिटरोजाइगोट, ये है डोमिनेंट एंड ये है रिसेसिव। तो यहाँ क्या है, हिटरोजाइगोट टोटली सुपीरियर होता है इन दोनों के ऊपर, ये होता है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या है, ईच लोकस देयर आर सेवरल एलील्स, यहाँ होते हैं हमारे ए वन ए टू ए थ्री एक्सेट्रा विद इंक्रीजिंगली डिफरेंट फंक्शन हिटरोजाइगोट बिटवीन मोर डाइवर्जेंट एलील्स। डाइवर्जेंट एलील्स में क्या होता है, हमारे तो सेम पेरेंट से ही आई हुई प्रोजेनी होती है, लेकिन एक वर्ड होता है हमारे डाइवर्जेंट, मैं आपको अगर समझाना चाहूंगा, एक होता है कन्वर्जेंट, इवोल्यूशन में आते हैं। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स का एक साथ मिलना, ये हो गया। लेकिन डाइवर्जेंट में क्या होता है, तो सेम पेरेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाना या डिफरेंट होना, ये होता है हमारे डाइवर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है जैसे कि हम और हमारे सिबलिंग्स हैं, हम एक जगह रहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम दोनों ही क्या अलग अलग डायरेक्शन में रह रहे हैं, जैसे कि मैं रह रही हूँ राजस्थान में और हमारा ही जो सिबलिंग है वो रह रहा है पंजाब में, तो हम लोग क्या है एक ही पेरेंट से थे लेकिन हम अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो वो हो गया डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जैसे हमारी कॉलोनी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं लेकिन वो जहाँ रह रहे हैं वही रीति रिवाज जो रिचुअल्स है वही सब चीजें वो अपना रहे हैं, थे वो अलग अलग लेकिन आज वो हमारे साथ रहने के बात क्या है एक ही जैसे, हम सारी चीजें धर्म जो है सब कुछ हम एक जैसा ही मान रहे हैं, वो हो जाता है हमारा कन्वर्जन। कहीं से भी आए लेकिन एक ही चीज को मान लेना वो हो जाता है कन्वर्ट होना, अपने आप को कन्वर्ट करना वो होता है कन्वर्जन। तो यहाँ क्या है, इंक्रीजिंगली डिफरेंट फंक्शन ऑफ हिटरोजाइगोट बिटवीन मोर डाइवर्जेंट एलील्स कुड बी मोर हिटरोजाइगोट, एग्जाम्पल ए वन ए फोर विल बी सुपीरियर टू ए वन ए टू ए टू ए थ्री और ए थ्री ए फोर। यहाँ क्या है, कन्वर्जेंट हो रहा है दोनों का, ठीक है सॉरी डाइवर्जेंट हो रहा है, जो भी एलेल्स थे वो अपने अलग अलग जा रहे हैं। फिर इसकी कुछ एविडेंसेस दिए हुए हैं इसकी ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस की, ओवर डोमिन ओनली जो डोमिनेंस थी वो हमारे ए ए एलील पर काम करती है, ओवर डोमिनेंस क्या हिटरोजाइगोट्स पर काम करती है, एंड थर्ड थी हमारी
एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस में क्या होता है, जितने भी एलील्स होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये चाहे ये कोई सा भी जो एलील है किसी को भी क्या है मार्क्स भी कर सकता है, इस तरह से इस चीज पर बेस है। तो आपको लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। आपको मैंने थोड़ा समझा दिया अच्छे से। यहाँ क्या, इन केस ऑफ मेज जीन एम ए अफेक्ट मैच्योरिटी, ठीक है। यहाँ क्या, हेटेरोजाइगोट्स एम ए स्मॉल ए स्मॉल एम इज मोर विग्रस एंड लेटर एंड मैच्योरिटी देन होमोजाइगोट एम ए एम ए, ये देखो इस तरह से इसमें जीन्स के फॉर्म में ही बता रखा है। अब यहाँ पर एक बार्ले का एग्जाम्पल दे रखा है, एंड यहाँ पर बार्ले का है, ठीक है। एंड यहाँ सिकल सेल एनीमिया का भी दिया हुआ है। वहां पर क्या होता है, जैसे ही रिसेसिव जीन आता है तो वो चीज के अपना इफेक्ट दिखाने लग जाती है। नॉर्मली यहाँ पर क्या है, ये वाला रहता है, ठीक है, रिसेसिव जीन एस जैसे एक्सप्रेस होता है यहाँ पर, तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। फिर है न्यूरोस्पोरा क्रासा, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी इसको बोला जाता है, ये प्लांट होता है। इसका कॉमन नेम क्या है, ब्रेड मॉल्ड। अब हम देखते हैं एपिस्टेसिस, तो यहाँ क्या है, प्रीडोमिनेंटली ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टाइप दैट इज एस्टिमेट ऑफ एच एंड हैव द सम साइन सो दे दैट दे डू नोट कैंसिल ईच अदर आउट। यह क्या, इंटरेक्टिंग पेयर्स ऑफ जीन शुड बी डिसअपीयर्ड इन बोथ द पेरेंट्स। इट शुड सजेस्टेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ ओवर डोमिनेंट डिप्रेशंस बिटवीन टू पेरेंट्स ऑफ हाइब्रिड ऑफ जीन शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस सीन्स टू बी द मेजर केस ऑफ हिट्रोसिस। तो ये था हमारे तीन, इसके हमारे क्या था, जेनेटिक बेस पर भी हमने देखा हिटरोसिस्ट और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हिटरोसिस्ट में क्या होता है, हमारे जो भी डोमिनेंट वाली चीजें होती है वो सारी एक्सप्रेस होती है, जबकि हमारे वही इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, जो रिसेसिव वाली चीजें होती है वो सारी एक्सप्रेस होती है। बस यही आप इसमें इसमें क्या एक फंडा है, बस इतना आपको लर्न रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से इसमें ऐसे एलील होते हैं, ऐसे गैमेट्स बनते हैं, वो चीज आप बता सकते हो। तीनों डोमिनेंट थी, ओवर डोमिनेंट थी, एक था एपिस्टोसिस हाइपोथेसिस, ये तीनों थी। यहाँ था हमारा, यहाँ तक ये था हिटोसिस। हिटोसिस में क्या क्या होता है, इसकी वजह से जीन्स जीन लेवल पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये पूरा चार्ट बनाना है आपको। फिर इसके बाद आप चाहो तो ये चीज भी समझा सकते हो। फिर इसके जो टाइप्स है, चार पांच टाइप के थे, एंड इसके जो यूजेस है, इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज भी जेनेटिक लेवल पर आपको बताना है। एंड उसके बाद आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बताना। इंट्रोडक्शन है, इनब्रीडिंग में क्या होता है, यहाँ मीटिंग होती है इंडिविजुअल्स की दैट इज ऑफ्टन ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस टू प्लांट ब्रीडर। मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल दैट आर रिलेटेड, ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड एंसेस्टर होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यहाँ भी प्रेजेंट द मोस्ट एक्सट्रीम फ्रॉम द इनब्रीडिंग। ये देखो, इनब्रीडिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। यहाँ कहता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी चेंजेस व्हाइल द एलील फ्रीक्वेंसी स्टे अनचेंज्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इनब्रीडिंग में हमारी होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, एंड जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होती है वो तो चेंज होती है, लेकिन एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टे अनचेंज्ड ही रहती है। फिर हम देखते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन में हम होमोज इनब्रीडिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, ठीक है। कुछ पॉलिनेशन स्पीसीज इंक्रीज होमोजाइगोसिटी रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन और रिड्यूस परफॉर्मेंस। सिम्टम्स ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन में इंक्लूड, यहाँ क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, रिड्यूस करता है प्लांट के विग्योर को, स्मॉल प्लांट का साइज होता है, फर्टिलिटी रेट जो होती है उसको भी वो इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करता है, डिक्लाइन सप्रेस्ट करता है सीड के प्रोडक्शन को, पॉलन का जो प्रोडक्शन होता है उसको भी डिक्रीज करता है, सीड की जो क्वालिटी होती है उसको भी डाउन करता है, लो करता है, एंड ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू इंसेक्ट एंड पैथोजन डैमेज। यहाँ क्या है, ये रेजिस्टेंस नहीं बना पाता है, जबकि सेंसिटिव रहते हैं। इसमें क्या है, इंसेक्ट और पैथोजन डैमेज से हमारे जो प्लांट होते हैं वो सेंसिटिव रहते हैं। पुअर स्टेबिलिटी, वहां पर क्या था, वायबिलिटी जो थी वो बहुत ग्रेटर थी। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे लो हो जाती है बजाय हाई की, जबकि प्रोसेस्ड में क्या है, सब चीजें हमारी हाई रहती है। विथ ये सब क्यों हो रहा है, विथ इंक्रीज होमोजाइगोसिटी एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिवस रिसेसिव एलील्स मे बी निवेलेंट बाय फिक्सेशन दैट हैज बीन मार्क्ड बाय अदर फेवरेबल डोमिनेंट एलील्स, इट कैन बी कॉज्ड बाय ओवर डोमिनेंस इन विच होमोजाइगोट्स आर लेस फिट रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस। क्योंकि ये जो ये वाले कैरेक्टर होते हैं ये बहुत लेस परफॉर्मेंस देते हैं,
ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये होमोजाइगोसिटी जब इंक्रीज होने लग जाती है तो ये चीज क्या है, अपने कैरेक्टर दिखाने लग जाते हैं, एंड देन जो भी प्रोडक्शन था जो भी चीज थी उसको रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ है इंक्रीज इनब्रीडिंग, हिटेरोजिटी क्या करती है, परमिट करती है, हमारे परमिट करती है होमोजाइगोसिटी के अंदर क्या है, रिसेसिव एलील्स को एक्सप्रेशन करने का। जैसे ही क्योंकि तो पहले तो क्या ही मार्क्स रहते हैं हिटेरोजाइगोसिटी में, ठीक है, मार्क्स बाय हिटेरोजाइगोसिटी इन द पेरेंट्स जनरेशन, लेकिन जैसे एलील रिसेसिव आर लेस फेवरेबल देन डोमिनेंट वंस, द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल डिक्रीज। इनब्रीडिंग इज ऑफ्टन डेट्रीमेंटल बिकॉज इट बिकम सॉरी इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ लेथल एंड डिलीटेरियस रिसेसिव ट्रेट्स, वो क्या है ये दिखाता है। यहाँ देखो ये क्या क्या इसमें इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे इनब्रीडिंग बढ़ी, नॉर्मली हमारे प्लांट की साइज ये थी, लेकिन जैसे जैसे इनब्रीडिंग हमारी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे प्लांट का जो टेक्सचर है, विग्योरसिटी है, यील्डिंग है एंड अदर ट्रेट जो है वो धीरे धीरे हमारे कम हो रहे हैं जैसे जैसे ये बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे हमारे हिटरोसिस बढ़ता है तो प्लांट में ये सारी कैरेक्टर्स हमें दिखने को मिलते हैं। ये था, अब अगर डायग्राम को भी अगर मैं समझाना चाहूँ, प्लांट विथ रेजिस्टेंट टू डिजीज ए एंड बी, यहाँ क्या है जीन ए और बी से क्या है प्लांट हमारा रेजिस्टेंट है। फिर है इनब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग कर रहा है ये एंड सिलेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। फिर है इनब्रीडिंग पैरेंट लाइन फर्स्ट रेजिस्टेंट टू डिजीज ए एंड बी नोट थ्राइवसिंग, ठीक है। यहाँ क्या है इनब्रीड पेरेंट जो लाइन फर्स्ट है इसमें क्या है रेजिस्टेंट तो है डिजीज से लेकिन ये थ्राइविंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस है सी से इनब्रीडिंग एंड स्लैप और रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ इनब्रीडिंग पेरेंट लाइन फर्स्ट से ही है, रेजिस्टेंट भी है डिजीज से लेकिन ये यहाँ क्या हो रहा है नॉट थ्राइविंग है। लेकिन जहाँ पर जैसे ही एफ वन देखते हैं ये है हमारे पेरेंट फर्स्ट, ये लिया है हमने पेरेंट सेकेंड, पेरेंट फर्स्ट किस किस से रेजिस्टेंस है ए एंड बी जीन से जबकि ये है सी जीन से। अब एफ वन प्रोजेनी में हमारे जो जीन्स आएंगे ए बी सी आएंगे एंड यहाँ क्या है ये क्या है थ्राइविंग नहीं कर रहे, मतलब कि यहाँ जो इनका पनपना या उगने की जो चीजें हैं प्रोसेस है वो इनकी नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही तीनों मिलते हैं एफ वन पेरेंट में यहाँ क्या हो रहा है इनमें ये रेजिस्टेंस भी है डिजीज से, तीनों जीन्स भी है एंड थ्राइविंग भी कर रहे हैं अच्छे से। ये क्या है उग भी रहा है पनप भी रहा है, ये देखो बहुत अच्छे से इसका कलर देखो आप, इससे आप पता लगा सकते हो कि बहुत अच्छा फ्रूट हमें यहाँ मिल रहा है, मेज का एग्जाम्पल था। तो ये सब था हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड हिटरोसिस। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हल्का सा। हिटरोसिस ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड विग्योर इज एनहांस द करेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफस्प्रिंग, जो इसकी ऑफस्प्रिंग आती है F1 प्रोजेनी में वो क्या है इंक्रीज होती है या रिडक्शन होता है फिटनेस इन द ऑफस्प्रिंग। यहाँ जो इसकी प्रोजेनी होती है ऑफस्प्रिंग जो होती है उसके अंदर क्या रिडक्शन आता है उसकी फिटनेस में एज ए रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग। फिर है यहाँ पर इट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, यहाँ पर क्या है टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के साथ यहाँ क्या है क्रॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है क्लोजली रिलेटेड जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ ही क्या है इसमें क्रॉस होता है। अब जितने ज्यादा क्लोज रिलेटेड पेरेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा उनमें क्या होता है होमोजाइगोसिटी क्या है इंक्रीज होती है। दे शुड सुपीरियर कैरेक्टर देन डियर पेरेंट, पेरेंट से ज्यादा अच्छे कैरेक्टर से यहाँ क्या इनकी जो प्रोजेनीज होती है ऑफस्प्रिंग जो होती है उनमें देखने को मिलती है। यहाँ इंफीरियर कैरेक्टर आते हैं कंपेयर टू डियर पेरेंट्स, पेरेंट्स से इनके जो करेक्टर्स आते हैं प्रोजेनी में वो थोड़े इंफीरियर या थोड़े कम आते हैं। यह क्या है इट इज ए रिजल्ट ऑफ आउटब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्योर ब्रीड लाइंस टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। यह क्या है कंटिन्यूस इनब्रीडिंग होती है टू क्लोज रिलेटेड पेरेंट्स के साथ ही, टू क्लोज रिलेटेड पेरेंट्स के साथ कंटिन्यूसली ब्रीडिंग होती जाएगी तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और इससे क्या है काफी सारे इफेक्ट हमारे प्रोजेनी में देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंस क्या है इसकी, दिस टेक्निक इज एक्सप्लॉइटेड बाय एनिमल ब्रीडर टू गेन हाई प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, जबकि यहाँ क्या है कंजर्व द ट्रेट्स इन सबसिक्वेंट जनरेशन। यहाँ क्या है जो इनके इस टेक्निक को क्या है किसी भी जो ऐसा करेक्टर है उसको हम चाहते हैं लॉस नहीं करना चाहिए, उसको हम कंजर्व करना चाहते हैं किसी भी ट्रेड को अलग नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो उसको क्या है सिक्योर करता है, ठीक है। तो ये चीजें थी इनके दोनों के बारे में। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे बहुत अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।